कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सियासी घमासान है। महबूबा बोली, डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। महबूबा मुफ्ती से बीजेपी ने पूछा, बचा किसे रही हैं? मृतक के भाई ने महबूबा को ही हत्या का जिम्मेदार बताया। मृतक के भाई ने कहा है कि इसके लिए महबूबा ही जिम्मेदार हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी बड़ी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा अब और सख्ती का और जुल्म का और सितम का जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती कल बोल रही है, क्या क्या वो बयान देती है, उसको कंडेम्ड क्यों नहीं करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर की CM रही है, तो उन्हें बात करने का तरीका कोई सिखाएगा कि बात कैसे करते हैं? यह सिर्फ कश्मीर ही है उनके लिए, कश्मीर जम्मू वाले कुछ नहीं है। मैडम आप पहले टीचिंग लो या किसी से सीखो कि बात किस ढंग से करते हैं। आप कुछ भी बोल देते हो और लोगों की जानें चले जाती हैं आपकी वजह से। पाकिस्तान आपका ज़्यादा सगा है तो उसको सगा बना के रखो। मैं तो ये भी सुजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान जा सकते हो। सुना आपने, और केवल ये आम लोग नहीं, ये तो सीधे सीधे कंसर्न्ड हैं। जाहिर है इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन महबूबा के इस बयान पर किस तरह के सियासी रिएक्शंस आए हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। वो तो कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करो, अफसोस है कि राजनीति करती हैं। तो सच ये है कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये डबल गेम खेलती हैं और ये कोशिश करती है कि मैं जो रेडिकल्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी खुश रखूँ। और एक बात बड़ी स्पष्ट कह दूँ मुफ्ती साहब को कि ये मोदी जी की सरकार है, जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पार जाकर भी वापस से ठोकेंगे। सच तो ये है कि इन नेताओं ने 70 साल से अधिक में कश्मीर को जन्नुम जैसा बनाकर रखा है। अगर ईमानदारी से इन हत्याकांडों के लिए कोई कल्प्रिट है तो मुझे लगता है कि उनमें महबूबा भी गिनती में शुमार होंगी। उनके अलगाववादी, हिंसक और भारत विरोधी रवैये ने वहाँ जो शांति सद्भाव उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही हैं। परिजन महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सियासत से जुड़े हुए लोग महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।